गुड आफ्टरनून बच्चों, पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किसी द्विघाती समीकरण का मूल किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में सीखा। आज हम लोग अन्य विधि सीखेंगे, उसको कहा जाता है वर्गीकरण विधि, अंग्रेजी में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे मैं आपको क्लास में बताते रहता हूँ कि कोई भी सवाल बनाने के लिए उसका एल्गोरिदम या प्रेमिका को सीखना जरूरी है। मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये था हमारा द्विघाती समीकरण का आदर्श रूप, इसमें हम लोग ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं। अब इसको किस तरह से पूर्ण वर्गीकरण विधि में हम इसको प्रस्थापित करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। इसका सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये प्लस सी है, इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। सवाल में याद रखिएगा, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे हमको सारे राशि को भाग देना है। तो यहाँ गुणांक चूंकि ए है इसलिए हम लोग सभी राशि को ए से भाग देने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए, बी एक्स बाई ए माइनस सी बाई ए, सभी राशि को ए से भाग देने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब ये जो है इसको हम चूंकि यहां प्लस है इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ले जाएंगे। रिविजन चैप्टर में हम लोग वर्ग वर्गमूल के बारे में पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो दोनों क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या माना जाता है। जैसे एक चार यानी इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, उनको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे, तो चूंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम a मान लेंगे। फॉर्मूला के लिए टू चाहिए तो हम टू ले आएंगे। एक्स है, एक्स यहाँ क्या बचा बी वाई ए, क्योंकि गुना में दो ज्यादा हो गया है इसलिए हम उसको भाग में दे देंगे। इसको समझ कर रखिएगा कि गुना में दो ज्यादा होगा तो यहाँ हर में जो भी होगा नहीं होने से भी हम लोग को यहाँ पर दो बैठाना होगा। अब इसका रूप नहीं बदला, ये देखिए इसी रूप का है। अगर दो दो कैंसिल हो जाता है तो बी एक्स वाई ए, गलती से काट मत दीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी हुआ ये प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पक्ष में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ प्लस किए हैं तो हमको दाहिने पक्ष में भी प्लस करना पड़ेगा। ये माइनस सी बाई है, माइनस सी बाई असली जगह पर स्थिर। अब ये देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ इसको हल कर देंगे, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए का फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। हम क्या करेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे, इसको जैसे से अभी लिख लेते हैं। यहाँ चार, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है चार और एक है एलसीएम चार, ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे ए स्क्वायर और ए ए स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया। अब हर से इसको भाग देंगे, फोर स्क्वायर फोर स्क्वायर को भाग देने पर कट गया एक बार में, बचा एक से बी स्क्वायर को हम गुना कर देंगे बी स्क्वायर। ए से इसको भाग देंगे तो एक ए कट जाएगा, फोर ए बचेगा, फोर ए को सी से गुणा करेंगे तो फोर एस। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने में यहाँ पर हमको प्लस माइनस लिखना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइनस दो का भी वर्ग चार होता है और प्लस दो का भी वर्ग चार होता है, दोनों का वर्ग चार होता है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे। वर्गमूल का चिन्ह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं फोर ए स्क्वायर का, हम लोग नाइन में पढ़े थे याद कीजिए, टू ए का फोर स्क्वायर। अब एक्स प्लस बी वाई टू ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू, टू ए का होल स्क्वायर है तो टू ए इसका वर्गमूल मिल जाएगा। हम लोग को निकालना है एक्स का मान, एक्स ये प्लस बी वाई टू है,
बाएं से दाएं ले जाएंगे तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अब तो ये आप जानते हैं कि हर एक ही है तो इसका एलसीएम टू ए हो जाएगा भाग देने पर, फिर उसी तरीके से जिस तरह से पहले किए थे। अब इसका मूल हो गया, दो मूल हो गए, हम लोग बोले थे द्विघाती समीकरण का दो मूल होता है, एक प्लस लेके माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस तो ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस प्रकार से हम लोग किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी एल्गोरिथम के आधार पर हम एक सवाल लेते हैं। सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू, जिस तरह से उस सवाल को बनाए थे ठीक उसी तरह से इसको बनाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू माइनस, अब याद कीजिए हम बोले थे कि x स्क्वायर के गुणा में जो होगा उसे सबको हमको क्या करना है, भाग देना है। यहाँ कितना है गुणा, 2 है प्लस 2 तो 2 से भाग। ऐसे भी लिख सकते हैं सभी पक्षों को दो से भाग देने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई टू इजिकल टू माइनस 3 बाई टू। फिर उसी तरीके से इसको वहां प्लस था, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इसको ले जाने का प्रयत्न करेंगे। कैसे, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर फॉर्मूला के लिए 2, ये हो गया हमारा x 5। अब यहां देखिए यहां दो पहले से ही है, यहां दो ज्यादा हो गया तो दो दूना 4। इस जगह में गलती होता है, इस जगह को आप लोग ध्यान से लिखिए, यहां दो ज्यादा हो गुना में है तो यहां पर हमको दो से गुना करना पड़ेगा, दो दूना 4, जो भी संख्या हो उससे गुना कर देंगे, संख्या नहीं हो तो दो से गुना करेंगे। तो ये हो गया हमारा b प्लस बी स्क्वायर, चूंकि ये प्रश्न में नहीं है ये ज्यादा हो गया इसलिए हमको दाएं पक्ष में भी 5/4 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए माइनस 3 बाई। ये फिर उसी तरीका से एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 माइनस 3/2 एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 16 2 का एलसीएम निकालेंगे, 16 2 का एलसीएम होता है 16, 16 से 16 को भाग दिया गया एक बार में 25 हो जाएगा, ये समझ में आ जाता है आपको, 16 को 16 से भाग दिया एक, एक को 25 से गुना किए 25, 2 से 16 को भाग देंगे 8, 8 दिया 24, इसका मान हो गया 24 में 25 में से 24 गया 16, 1/16। हम लोग क्या करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 16 का 4, 1/4 का होल स्क्वायर। x माइनस 5/4 ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। अब हम लोग को x का मान निकालना है तो माइनस 5/4 का हम लोग बाएं पक्ष में ले जाएंगे, x इजिकल टू 5/4 प्लस माइनस 1/4। फिर उसी तरीका से क्योंकि हर एक ही है तो 4 5 प्लस माइनस 1 मूल हो जाएंगे 5 प्लस 1/4, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ 6/4 3/2
चार बटा चार एक, मूल समूह तीन बटा दो और एक। यह वर्गीकरण पद्धति द्वारा हम लोगों ने सवाल एक सवाल का समाधान किया। आप लोग एक्सरसाइज 4.3 तक कुछ सवाल करके देखेंगे और इस पद्धति से किस प्रकार से किया जाता है इसके एल्गोरिथम को समझ के उसको खूब बढ़िया से करिए। घर में रहिए, बढ़िया से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।